असलम स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड विल बी सेफ इन योर होम्स दिस इज़ आवर यूनिट नंबर वन इंट्रोडक्शन टू सेट्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम मोर टाइप्स ऑफ सैट्स वो टाइप्स कौन कौन सी हैं फर्स्ट है हमारे पास फाइनाइट सेट फाइनाइट सेट क्या होता है अ फाइनाइट सेट हैविंग ऑफ फाइनाइट और लिमिटेड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स यानी जो सेट होता है हमारे पास उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं सपोज ये हमारे पास एक एग्जाम्पल लिखी हुई है सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन ट्वेंटी ये हमने एक सेट लिखा है जिसको हमने अब एलिमेंट्स के फॉर्म में लिखना है अब हमारे पास क्या है होल नंबर्स का सेट होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वन से स्टार्ट और होल नंबर्स होते हैं हमारे ज़ीरो से यानी होल नंबर जो है हमारे ज़ीरो से हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है तो ये होल नंबर्स का सेट है हमारे पास लेकिन कितना है होल कितने होल नंबर्स हैं लेस देन ट्वेंटी यानी ट्वेंटी से लेस हमारे पास जितने होल नंबर्स हैं हमने उनका सेट लिखना है तो इस सेट से हमें पता चल रहा है कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो लिमिटेड हैं हम लेस देन ट्वेंटी एलिमेंट्स लिखेंगे हम ट्वेंटी से अबव एलिमेंट्स यहाँ पर अपने सेट में शो नहीं कर सकते तो यहाँ हमारे पास जो सेट बनेगा वो क्या होगा होल नंबर्स हैं तो जीरो से स्टार्ट होंगे ज़ीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन नाइनटीन यानी नाइनटीन तक जो हमारे एलिमेंट्स हैं हमने उनका सेट लिखना है तो ये हमारे पास होगा सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन ट्वेंटी तो यहाँ पर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो लिमिटेड हैं जब हमारे पास लास्ट पर कोई एक एलिमेंट आ जाता है तो फिर इट मीन्स कि वो हम बाउंड हो जाते हैं हम इससे ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं लिख सकते तो ये सेट हमारे पास लिमिटेड है इसको हम कहते हैं फाइनाइट सेट तो ये फाइनाइट सेट की डेफिनेशन जो है वो आप अपनी बुक्स के ऊपर हाईलाइट करेंगे अब हम नेक्स्ट अपनी टाइप देखते हैं क्या है इन्फिनिट सेट इन्फिनिट सेट क्या होता है एन इन्फिनिट सेट इज इज़ अ सेट विच कंटेन्स एन इन्फिनिट और अनलिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वो इसका ऑपोजिट है फाइनाइट सेट जो है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिमिटेड होते हैं लेकिन इन्फिनिट सेट जो है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास अनलिमिटेड होते हैं हमें इसका लास्ट नंबर क्या है लास्ट एलिमेंट क्या है वो हमें मालूम नहीं होता इसमें यही जो एग्ज़ाम्पल अभी हमने इन फाइनाइट सेट के लिए सॉरी फाइनाइट सेट के लिए जो ऊपर लिखी है सेट ऑफ़ होल नंबर लेस देन ट्वेंटी इसी एग्ज़ाम्पल को हम ले लेते हैं आगे अपने uh, दूसरी डेफिनेशन के लिए भी अब हमने जो फाइनाइट सेट पढ़ा उसमें हमने लिखा कि हमारे पास लास्ट उसका एलिमेंट uh, पता होता है हमें कि वो क्या होगा इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिमिटेड होते हैं अब सेकेंड जो मैंने लिखी हुई एग्जाम्पल सेट ऑफ होल नंबर्स अब यहाँ पर इस एग्ज़ाम्पल में हमें यह तो पता है कि हमने होल नंबर्स का सेट लिखना है लेकिन कितने नंबर लिखे हैं लिखने हैं हमने वो इसमें मेंशन नहीं किया गया इसका मतलब है कि इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं हमें इसका लास्ट नंबर नहीं पता कि ये सेट कहाँ पर एंड होगा तो दोनों में क्या डिफरेंस है इसमें सेट ऑफ होल नंबर्स हैं लेकिन यहाँ मेंशन किया गया है कि लेस देन ट्वेंटी हमने होल नंबर्स लिखने हैं इसमें कोई भी लास्ट नंबर हमें मेंशन नहीं किया गया तो ये हमारे पास इन्फिनिट सेट है तो इसको हम क्या लिखेंगे जीरो से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि होल नंबर्स का सेट है जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन आगे ये डोट्स ट्रो करें हैं कि ये हमारे होल नंबर्स जो हैं ये कॉन्टिन्यू हैं तो ये डेफिनेशन आप अपनी बुक्स के ऊपर हाईलाइट करेंगे एन इन्फिनिट सेट इज़ अ सेट एन कंटेन्फिनिट और अनलिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स नेक्स्ट टाइप है हमारे पास यूनिट सेट यूनिट इसके नाम से जैसे हमें पता चल जाता है कि उसमें एलिमेंट जो है वो सिर्फ एक ही होता है अ यूनिट सेट इज़ अ सेट दैट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट इसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो वो हमारा यूनिट सेट होता है यूनिट सेट को हम सिंगल्टन सेट भी कहते हैं अ यूनिट सेट इज़ आल्सो कॉल्ड अ सिंगलटन सेट यानी इसमें जो भी सेट हमारे पास हो जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा तो वो यूनिट सेट कहलाएगा अब यहाँ पर हम मैंने जो सेट लिखे हैं अब ये सेट जो है इसमें एक एलिमेंट लिखा हुआ है ए सिंगल एलिमेंट है इसलिए इसको यूनिट सेट या सिंगल टन सेट बोलेंगे अब ये जो सेट लिखा हुआ है इसमें हमारे पास नंबर जो लिखा हुआ है वो क्या है एलेवन एलिमेंट्स जो है यहाँ पर एलेवन यानी टू टाइम वन लिखा हुआ है लेकिन हमारे पास एलिमेंट ये एक ही कंसीडर होगा क्योंकि एलिमेंट सेकंड तब कंसीडर करते हैं हम जब दरमियान में हम कॉमा लगा के उसको सेपरेट कर लेते हैं जब तक हर दरमियान में कॉमा नहीं आएगा आप इस एलेवन के साथ एक और वन भी लगा लेंगे तो भी वो सिंगल एलिमेंट ही रहेगा हमारे पास तो ये हमारे पास आ गया यूनिट सेट नेक्स्ट टाइप है एम सेट एम जैसा कि इसके नेम से ही पता चल रहा है एम का मतलब ही है खाली यानी उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा उसको हम एम सेट कहेंगे एन एम सेट इज़ अ सेट दैट कंटेन्स नो एलिमेंट्स इट इज आल्सो कॉल्ड अ नल सेट और वाइट सेट एम सेट को हम नल सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं इसके लिए हम एक सिम्बल यूज़ करते हैं एम सेट को शो करने के लिए या तो हम ये करली ब्रेकेट्स अपने एम रखते हैं या इसके लिए हम ये सिम्बल भी यूज़ करते हैं जिसको हम फाइव बोलते हैं एंड एम टी सेट इज़ डिनोटेड बाई करली ब्रेकेट्स और फाइव ये एम सेट के लिए सिम्बल यूज़ होता है अब हम अपनी एक्सरसाइज से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं वन डी क्वेश्चन नंबर वन मेक अ लिस्ट ऑफ़ फाइनेट सेट्स एंड इन्फिनिट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग ये हमारे पास सेट्स लिखे हुए हैं इनमें से हमने बताना है कि कौन सा सेट जो है वो फाइनेट सेट है और कौन सा इन्फिनट सेट है सेट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान जैसे कि अभी हम डेफिनेशन हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिमिटेड होंगे वो हमारे फाइनेट सेट होंगे जिसमें अनलिमिटेड होंगे तो वो इन्फिनिट सेट्स होंगे सेट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान तो पाकिस्तान में कितने सिटीज़ हैं इन uh, uh, ये हमारे पास लिमिटेड है सिटीज़ नेम हम मेंशन कर सकते हैं सबको पता है कि पाकिस्तान में जो सिटीज़ हैं वो कितने हैं ये काउंट किए जा सकते हैं तो ये हमारे पास जो सेट है वो फाइनाइट सेट है सेकेंड है सेट ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ इन लाहौर लाहौर में यूनिवर्सिटीज़ का सेट लाहौर में कितने यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके नेम जो है वो काउंट किए जा सकते हैं तो ये हमारे पास सेट जो होगा वो फ़ाइनाइट सेट होगा सेट ऑफ होल नंबर्स अब यहाँ पर सेट है हमारे पास होल नंबर्स का अब होल नंबर्स कितने हमने लिखने हैं ये यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया ये तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो अनलिमिटेड होंगे तो ये सेट हमारे पास क्या होगा इन्फिनट सेट इसी तरह जो बाकी के तीन सेट हैं वो आप खुद से करेंगे और चेक करेंगे कि ये फाइनेट सेट है या इन्फिनिट सेट और आगे आप मेंशन करेंगे इसके अब हम अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर टू अ लिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग हमारे पास ये सेट्स से थी हमें इनमें से बताना है कि एम सेट कौन से हैं अभी हमने एम सेट की डेफिनेशन पढ़ी वो ए, ए, सेट होते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन नाइन एंड टेन अब यहाँ पर अगर हम देखें तो नाइन और टेन के दरमियान होल नंबर्स का सेट तो नाइन और टेन के दरमियान तो कोई नंबर नहीं आता तो इसलिए ये हमारे पास एम सेट है सेट ऑफ़ पीपल हु लैंडेड ऑन मार्स बिफोर नाइनटीन नाइन्टी फोर तो मार्स पर कौन लोग जा चुके हैं नाइनटीन नाइन्टी फोर से पहले तो वहाँ पर ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ कोई भी वहाँ पर नहीं जा सका तो ये भी हमारा एम सेट है इन इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा नेक्स्ट है सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन फोर एंड सिक्स तो फोर और सिक्स के दरमियान इंटीजर्स जो हैं वो हम लिख सकते हैं जो हमारे आ रहे हैं फाइव आता है इसके दरमियान में इट मीन्स कि ये हमारे पास एम सेट नहीं है तो इसी तरह जो बाकी के इसके थ्री पार्ट्स हैं वो आप ख़ुद से सॉल्व करेंगे इन सेट्स को आप देखेंगे कि इनमें कोई एलिमेंट आता है या नहीं और जो एम्प्टी सेट्स हैं उनके आगे, आगे आप मेंशन करेंगे तो जो डेफिनेशन हमने हाईलाइट की हैं आपने वो याद करनी है और एक्सरसाइज वन डी का क्वेश्चन नंबर वन और टू इनकी प्रैक्टिस करनी है आपने यही आपका होमवर्क है